नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आगे वो इस पद पर बने रहना नहीं चाहते। इसके बाद से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली अपनी दावेदारी दे सकते हैं। उनके साथ साथ एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर के भी नामों की चर्चा थी। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि आईसीसी चेयरमैन पद के लिए कोई भारतीय दावेदार नहीं होगा। अब इंग्लैंड के कॉलिन ग्रेव्स चेयरमैन बनने की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। आईसीसी ने अपनी 10 जून की बैठक के बाद घोषणा की थी कि अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप का फैसला जुलाई में किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रक्रिया गुरुवार को होनी है। हालांकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और चुनाव प्रक्रिया को बोर्ड अंतिम रूप जल्द ही दे सकता है। बीसीसीआई के अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि जब तक सभी देशों के बोर्डों के बीच एक बड़ी बातचीत नहीं होती, तब तक लगातार दो भारतीयों के अध्यक्ष बनने की संभावना नहीं है। एक तरीके से बीसीसीआई के लिए अच्छा है, अभी जो अधिकारी बीसीसीआई में है वो नए हैं, कुछ समय में वो और परिपक्व और समझदार भी हो जाएंगे। आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम एक आईसीसी बोर्ड बैठक में भाग लेने का अनुभव होना चाहिए और इसके साथ साथ बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के साथ साथ पूर्व सदस्यों द्वारा उन्हें नामित भी किया जाना चाहिए। इस तरीके से सौरव गांगुली के अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने इन मानदंडों को पूरा भी किया हुआ है। हालांकि आईसीसी के अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी किसी क्रिकेट बोर्ड का कोई पद नहीं रख सकता है। आईसीसी ऑफिशियल्स के एक बयान के बाद कि बीसीसीआई आईसीसी चेयरमैन पद की रेस में नहीं है, इससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अब आने वाला बीसीसीआई अध्यक्ष भारतीय नहीं होगा। इंग्लैंड के कॉलिन ग्रेव्स चेयरमैन बनने की रेस में अब सबसे आगे हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।